से दीजिए ना दलजीत जी, कहाँ है? साहिबा, वादा किया है ना मैंने, तो निभाऊंगा। लेकिन वो है कहाँ? दूर, हमसे दूर। चल फेरे शुरू होने वाले, आजा। चल कोई गल नहीं, रब करे आप सदा खुश रहे। हेलो फूफा जी। हेलो दीप, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। आपको पता है, आप जब यहाँ नहीं थे इतने दिन मैंने तो बूजी का ख्याल रखा है। अच्छा, तब तो मुझे आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। हाँ, आपने मेरी जिम्मेदारी निभाई। हाँ हाँ, वो तब तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि बूजी मुझे ही ज्यादा प्यार करेंगी, आपको नहीं। और हाँ, मेरे चक्कर में कभी बूजी से लड़ाई करी तो देख लेना। नहीं करूंगा, प्रॉमिस। खुश रहो, सदा सुखी रहो। ब्यूटी, इतने सारे लोग हैं यहाँ, तू मेरे पास आशीर्वाद क्यों नहीं ले आए? क्यों नहीं पर जय जी, हम दोनों के लिए आपका आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है। आपने भी तो हमारे लिए कितनी मन्नतें मांगी हैं, आपने भी उतने ही आंसू बहाए हैं जितने रज्जो पर जय जी ने। तो बस आप भी हमें आशीर्वाद दो ना कि हम हमेशा खुश रहें। खुश रहे अमिता। राजी जी, आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? ओ जी क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। आप लोगों ने इस अधेड़ उम्र में जो शादी करने का फैसला किया है, ये बड़े कमाल की गल है। ना जी, ये बड़ी प्यारी ब्यूटी है हमारी। रोज रात को जब मैं क्वार्टर जूस पीता हूँ तो चिकन यही लेके आती है। क्यों टूटी फ्रूटी ब्यूटी, अब मेरे लिए चिकन कौन बनाएगा हैं? समझी जी? ओ भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, बेटियां वैसे भी किसी चीज की हकदार नहीं होती हैं, लेकिन करवालों की औकात का इस बात से पता चल जाता है कि वो विदाई के समय अपनी बेटी को या अपनी बहन को क्या दे रहे हैं। हाँ जी, क्यों समझी जी? और मैं कोई झूठ बोले हाँ? गुरचरण वीर जी, अपनी इस बहन के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता था, पर ये जो आप देख रहे हो ना, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाया।
आशीर्वाद के अलावा आज इस गरीब भाई के पास अपनी बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं। क्यों शर्मिंदा करो मनमीत जी, जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। आपने कुछ लिया है नहीं भाई? दो, इधर दो। सत श्री अकाल जी, कैसे आप? लीजिए लीजिए, गोड़ी नीचे। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, जरा ये लीजिए 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 लीजिए। सुन सुन सुन, बड़ा खुश दिख रहा है यार तू तो। शादी के बाद बेटा अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और तू तू तो चमक रहा है। बूजी की शादी है ना बेटा, इसलिए बस तू ध्यान रख अपना। आपने लिया जी खाया पिया कुछ? हाँ जी, जरा बढ़िया चल रहा था। चीजू कितना सारा काम पड़ा है आपको, मैं मिला था टकराने के लिए। जाओ जाके उधर देखो, वहाँ पानी खत्म हो गया है। हाँ, तेरे बिना शादी थोड़ी ना होगी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बाप मुझे छुट्टी दोगे तभी तो मैं बाकी काम करूंगा। अच्छा जाओ उधर। तू कहाँ जा रहा है? शोरूम। अरे क्या बात है जीजा जी, शादी के बाद तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं। हाँ वो थोड़ा बिजी हो गया था ना काम में, बस इसीलिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जीजू। जरूरी काम है, बात करता हूँ आपसे। जरूरी? हम सालिया होती हैं आपकी। साहिबा ने जब से आपको आप बुलाना शुरू किया है, हमने भी आपको रणवीर कहना छोड़ दिया है। मैं आपको भी आप कह देता हूँ, जरा आप साइड में हो जाइए। वैसे हमें ये देख कर बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी सहेली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। वरना घर में शादी बुआ जी की है लेकिन सारा काम हमारे जीजा जी कर रहे हैं, कितना भाग दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? मेरी बुजी की तो शादी है ना, इसे तो करना पड़ेगा, है ना? आप लोग रुकिए, चाटवाट खा जाइए। अरे आप चाटवाट खाइए, मैं आता हूँ। दीप सुनना, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू एक काम कर, नीचे जाके ना आइसक्रीम खा के। हाँ मैं आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। जा 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 जा। जी कमाल है मनमीत जी, तुसी भी ना बहुत इमोशनल अत्याचार करते हो। ओ भाई ब्यूटी का एक भाई गरीब है तो क्या हुआ, दूसरा भाई तो अमीर है ना। एक मिनट, लो जी ये एक गोल्ड पेंडेंट है चांदी की चेन के साथ में, वैसे आजकल चांदी भी बहुत महंगी है। एक मिनट, ये जी 5001 है, थोड़ा सा टोकन अमाउंट। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। ब्यूटी को अगर गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं समझी जी क्या सोचेंगे। साहिबा कहाँ गई? मैं उसे लेकर आती हूँ। जल्दी करो रज्जू जी, देखो उसको। ब्यूटी को समझा सकती है मैं। नहीं प्राजी, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा समधी जी,
क्या है ना कि करनेल जी की हवेली से आपकी पैन खाली हाथ विदा हो, ओ भाई ये करनेल जी के नाम की बेइज्जती है। करनेल जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो मैं दहेज में यकीन रखता हूँ और ना ही तोहफों में। मैं तो यहाँ सिर्फ ब्यूटी को लेने आया था और सिर्फ ब्यूटी को ही लेकर जाऊंगा। बचपन से मेरे भाई साहब ने मुझे यही सीख दी थी कि जो अपना है सिर्फ उसी पर मेरा हक है और किसी पर नहीं। और शायद इसी हक से मैंने आज तक ब्यूटी को दुखों के सिवा और कुछ नहीं दिया। लेकिन अब सब कुछ दूंगा। पापा जी कितनी मुश्किल से मैंने एक फैसला लिया था। मैं आपसे वादा करती हूँ अगर आप इनको भूल गए ना तो मैं भी इनको भूल जाऊंगी। लेकिन क्यों इतना मुश्किल हो रहा उस फैसले पर टिके रहना। जितनी बार मैं दलजीत जी को देखती हूँ ना मन करता है सब कुछ छोड़ के उनके साथ चली जाऊं। लेकिन साहिबा पुत्र प्रसाद लेने गई के नहीं। हाय पापा जी। दलजीत जी आप कहाँ चले गए थे? और शुक्र है भगवान का कि आप बिल्कुल ठीक हैं। रणवीर ने आपके साथ कुछ नहीं किया, मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। आप कितनी भोली हैं ना साहिबा जी। शैतान में भी अच्छाई ढूंढ रही है। इंसान और शैतान का फर्क करने वाली मैं कौन होती हूँ दलजीत जी? मैंने तो खुद इतनी गलतियां की है कि लोग तो मुझे भी पता नहीं क्या क्या कहते होंगे। आपने कोई गलती नहीं की, मुझसे पूछिए। मुझे जाने दीजिए दलजीत जी, पापा जी ने मुझे कुछ काम बोला है, मुझे वो करना है। बात ना कर लीजिएगा। दलजीत जी कैसे बातें कर रहे हैं आप? बाहर बहुत सारे लोग हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि आप और मैं यहाँ अकेले तो कितनी बदनामी होगी हमारी। आप मुझे सच में छोड़कर बाहर जाना चाहती हैं? मैं जाना चाहती हूँ। आप मुझसे डर रहे हो साहिबा जी? मुझसे? हम इतने महीनों तक एक घर में रहे, एक कमरे में रहे, क्या मैंने कभी आपको कोई शिकायत का मौका दिया? जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है आपका, बोलिए ना क्या मतलब है? शहर होने से पहले हम दोनों का दोस्ती और इज्जत का ही रिश्ता था ना, तो क्या उस दोस्ती के रिश्ते के लिए आज मैं आपसे दो मिनट बात नहीं कर सकता? हम दोस्त थे दलजीत जी, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। अब मैं रणवीर की पत्नी हूँ। आपने मजबूरी में आकर रणवीर से शादी की है और हमारी दोस्ती का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। क्या आपका दिल नहीं करता कि दो मिनट बैठकर आप मुझसे बात कर सको? मैं आपसे प्यार करता हूं साहिबा जी, बहुत प्यार। बोलिए ना चुप क्यों है? क्या आपका मन नहीं करता? नहीं करता, और अब मेरे मन में जो आया मैं वो नहीं कर सकती। मैं एक शादीशुदा लड़की हूं दलजीत जी, जो एक अच्छी बीवी होने की कोशिश कर रही है। आप चाहे कुछ भी कर लें साहिबा जी, आपको मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। वो रणवीर खुद आकर आपको मुझे सौंपेगा, ये मेरा आपसे वादा है। रणवीर ऐसा कुछ नहीं करेंगे और मैं उन्हें ऐसा कुछ करने भी नहीं दूंगी। और इन सब चीजों से जो मेरी बदनामी होगी उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा।
लेकिन जो बदनामी मुझे आपसे मिल पाते, मैं उस बदनामी को बदनामी नहीं शौहरत समझूंगा। रणवीर कहाँ है मेरा बेटा? मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। मामी जी वो आपने साहिबा को देखा? पता नहीं, मैं साहिबा तो किचन में प्रसाद लेने गई है। अच्छा मैं किचन में हूँ। साहिबा तो किचन में प्रसाद लेने गई है। दलजीत, पहले तो हम इतना टाइम एक दूसरे के साथ बैठ के बात ही करते थे, क्या आपका दिल नहीं करता? मुझे जाने दीजिए दलजीत जी। मुझे वो पल वापस लौटा दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप खुद से झूठ बोल सकती हैं, दुनिया भर उसे झूठ बोल सकती, लेकिन मुझसे नहीं, क्योंकि मैं आपको समझता हूं, आपको जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप इस वक्त झूठ बोल रही। जब मैं आपको ऐसे छूता जब मैं आपके पास नहीं होता तो आप मुझे याद नहीं करती। साहिबा, तू अंदर ही है ना? हाँ जी रणवीर, मैं अंदर ही हूं। और वो दलजीत? जब पता है तो फिर पूछ क्यों रहा है? देखना, साहिबा जी यहां मेरे पास है, और मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। और जानता है कि वो मुझे मना भी नहीं करेंगी। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। दरवाजा खोल साहिबा, साहिबा दरवाजा खोल। साहिबा, हाय रणवीर, दरवाजा क्यों पीट रहे? साहिबा पे ओ क्यों है पुत्र? पुत्र दमाजी, साहिबा अंदर फंस गई है क्या? अकेली है और अटक गई है या किसी के साथ है अंदर? साहिबा, दलजीत जी प्लीज, बाहर मेरा परिवार है, आपका परिवार है, रणवीर का परिवार है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। दरवाजा खोल साहिबा। वो सब लोग एक तरफ और मेरा प्यार एक तरफ। दरवाजा खोल साहिबा। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ साहिबा जी। साहिबा दरवाजा खोल। Say